ये देख सकते हैं आप श्रृंग दाना की फलाहार सब्जी, ये इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी और से कम इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है कि आप लोग एक बार बना लेंगे ना फिर आप लोग यही सब्जी की डिमांड करेंगे। इतनी टेस्टी सब्जी कहेंगे आप लोग कि हमें इसी सब्जी को खाना है। तो देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा और कितना यम्मी आया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी, प्लीज इस रेसिपी को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारी रेसिपी कैसी है। बहुत बहुत यम्मी एंड टेस्टी और हेल्दी इतनी कि आपको बिल्कुल वीकनेस नहीं लगेगी पूरे नवरात्र। तो इस रेसिपी को आप साबुदाना पूड़ी, कुट्टू के आटे के पूड़ी किसी के साथ भी आप खाएं और एंजॉय करें। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनी है। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन हमारे एक नए वीडियो में। तो ये देख सकते हैं हमने श्रृंगदाना लिया हुआ है, आज हम फलाहारी श्रृंगदाना की सब्जी बनाएंगे। तो ये हमने ले लिया श्रृंगदाना जिसको हमने भिगो लिया था, आप अपने जितना बनाना चाहें उस हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं। जो हमने हाफ कटोरी लिया था श्रृंगदाना जो कि फूलकर एक कटोरी हो चुका है, इसको दो से ढाई घंटे भिगो देना है, ठीक है। और ये हमने ली है टमाटर की चटनी, जैसे आप टमाटर की चटनी पीसते हैं बस वही है, दो टमाटर और दो हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसका हमने पेस्ट बना लिया है, एक ये आलू ले लिया है जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। तो ये जो हम श्रृंगदाना है अपने जार डालेंगे और उसको दरदरा पीस लेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस दरदरा पीस गया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अपनी सब्जी। ये देख सकते हैं गाइस हमने कढ़ाई रख दी है अपनी, और एक स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस हाफ टेबल स्पून जीरा है जो हम ऐड करेंगे इसमें, और ज्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ज्यादा मसाले नहीं खाते हैं। और अगर आप लोग लाल मिर्च वगैरह खाते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम नहीं खाते हैं इसमें। ये देख सकते हैं गाइस अब हम अपना ये जो पेस्ट पिसा रखा है, चटनी बोल सकते हैं आप से या कुछ भी, दो मिर्च और दो टमाटर और एक इंच अदरक का टुकड़ा, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए गाइस लाल मिर्च है और हल्दी वगैरह डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, बट हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से हम उन्हें पकाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कलर डिम पड़ जाए, बट सब्जी बहुत स्वाद वाली बनेगी, बहुत टेस्टी। कि आप इसे हर नवरात बना के खाना चाहेंगे या हर व्रत में खाना चाहेंगे, इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी। तो इसको हम भून लेते हैं इस मसाले को, फिर मिलते हैं आपको। ये देखिए गाइस एक हरा मिर्च हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि हमको ऐसे फ्राई हुआ मिर्च बहुत 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 टेस्टी लगता है। और ये देखिए गाइस कुछ मिर्च हमने काट कर आलू, ये वही आलू है एक, उसको हमने महीन बिल्कुल मैश कर लिया है। देखिए अगर आपका आलू बिल्कुल गर्म होने पर फूटता ना हो, मतलब जिसे नहीं बोलते हैं आलू कई प्रकार के होते हैं ना, जो एक तो ऐसा होता है जो ज्यादा बॉयल हो जाए तो बिल्कुल मैशी हो जाता है, ये वही आलू है। तो ये पानी अभी इसमें हम जब डालेंगे सब्जी में, ये गर्म होगा तो ये बिल्कुल मैशी हो जाएगा। अगर आपका आलू ऐसा नहीं है तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर ले, क्योंकि हमको इसके इस आलू को डालकर ग्रेवी को थिक करना है इस वजह से, क्योंकि ये आलू पड़ने के बाद ना ग्रेवी इसकी थिक हो जाएगी। ये देखिए गाइस ये जो घी है हमारा आ चुका है, तो इसका मतलब ये हमारा भुन चुका है। एक और दो गाइस बहुत देखने में खराब भी नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर से कलर आ जाता है सब्जी में। तो ये देखिए वो मैश किया हुआ आलू और हरी मिर्च कटी हुई वो हमने इसमें डाल दिया, थोड़ी देर इसे भी भून लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं गाइस हमारा अच्छे से भून गया है, ये देखिए साइड में घी आ गया है, तो हम अपने श्रृंगदाना इसमें डाल देंगे, ठीक है। एक बात और गाइस ये काफी अच्छी, आपने पूरे YouTube पर ऐसी व्रत वाली ऐसी सब्जी नहीं देखी होगी, तो आप एक बार बनाकर जरूर देखें, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी है, ठीक है। तो चलिए इसमें अब नमक ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस ये सेंधा नमक है जिसमें हमने हरी मिर्च और जीरा पीस के रखा हुआ है, तो ये अपने स्वाद के अनुसार इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, देखिए चलाते रहिएगा क्योंकि श्रृंगदाना है उसमें ऑयल होता है, तो ये चिपकने लगता है तरी में, ये देखिए चिपक गया है। तो अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे एक मिनट, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए गाइस एक मिनट भुन चुका है,
बहुत टेस्टी खुशबू आने लगी है, बहुत सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देख सकते हैं गाइस, ये वही मिक्सी का जार है जिसमें हमने मूंगफली ग्रेट करी थी, ठीक है, श्रृंगदाना ग्रेट किया था गाइस। इसे श्रृंगदाना, मूंगफली को श्रृंगदाना भी कहते हैं, ठीक है। तो यही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे जो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा श्रृंगदाना था, वो भी हमारा इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम मन हिसाब से, जितना आपको ठीक चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिएगा गाइस, करीब करीब हमने 2 ग्लास पानी ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है, क्योंकि पकने में भी तो जलेगा ही। देखिए इसमें हरी जो मिर्च हमने ऊपर से काट कर डाली हुई है, कितनी अच्छी आई हुई है। और देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है टमाटर की वजह से। तो इसको अब हम पकने देते हैं। देखिए गाइस, इसमें भी वही प्रोसेस होता है, क्योंकि ये देखिए मूंगफली है, मूंगफली में ऑयल होता है, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी उफन कर ऊपर आता है। तो इसको थोड़ा सा देखना होता है, एक बॉयल आ जाए उसके बाद में फिर आपको देखना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए भरने लगा है, लगभग बॉयल आने लगा है। ये देखिए गाइस, फिर से बॉयल होने लगा है। तो इसको हम एक बार इससे हिला देंगे, चला देंगे और उसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए गाइस, इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसको जरा ध्यान रखने वाला है। देखिए कितना ज्यादा झाग बन रहा है इसमें, इसी वजह से हमको जब इसे बनाना है तो इसको छोड़कर नहीं हटना है। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम पका लेंगे अच्छे से, और जितना तीखा आपको चाहिए बस उतना ही इसको रखना है। तो हम इसे पकाते हैं, फिर मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस, हमारी सब्जी लगभग हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर सर्व करेंगे। चलिए गाइस, देखिए हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ी सी पतली रखी है क्योंकि हमें इसको खाना है साबूदाने की पूरी के साथ। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर साबूदाने की पूरी या किसी के साथ ना खाना चाहे, ऐसे ही खाना चाहें, तो आप थोड़ी सी सिक्का लीजिए। और देखिए ये हम सर्व कर रहे हैं अपनी। ये देखिए गाइस, बनकर कितनी यम्मी लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। इस तरह से आप खाइए तो आप हमेशा व्रत रहना चाहेंगे, इतना टेस्टी, इतनी यम्मी सब्जी बनकर तैयार होगी। इसे आप साबूदाना की पूरी के साथ, कुट्टू के आटे के पूरी के साथ, राजगिरी के आटे की पूरी के साथ, किसी के साथ भी इसे खाइए, बहुत इंजॉय करिए, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी लगने वाली है ये हमारी श्रृंगदाना की सब्जी। तो ये रेसिपी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हमारी कैसी, आप लोगों को कैसी ये रेसिपी लगी। तो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।